Hello students, let us discuss this question. Now in this question we are given that there is a girl standing on a ground, so we'll assume that this is our ground. Or wo jo ladki hai, the girl, uski jo height hai, that is 1.2 meter. Or ek air balloon hai jo ki 88.2 मीटर की हाइट के ऊपर उड़ रहा है. सो देयर इज अ एयर बैलून. सो वी हैव एन एयर बैलून हियर व्हिच इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर. और जब वो लड़की उस एयर बैलून को देखती है तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है वो हमें गिवन है दैट इट इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली 1.2 मीटर हाइट से बनेगा ग्राउंड से. सो इसको हम इमेजिनरी लाइन ले मानते हैं. सो जैसे ही लड़की इस बैलून को देखती है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हमारा 30 डिग्री का है. ओके अब क्या हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम जो बैलून है ड्यू टू एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट के कारण फ्लाई होके वो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है. अब आफ्टर दिस इंटरवल ऑफ टाइम जब वो सेम लड़की सेम पोजीशन से इस बैलून को देखती है देन द एंगल इज 60 डिग्री. तो अब जो एंगल उसे मिलता है वो उसे 60 डिग्री मिलता है. सो अगेन द हाइट विल बी सेम, एट द सेम हाइट 88.2 मीटर. तो अब क्वेश्चन है कि ये जो बैलून है इनिशियल पोजीशन से जब वो बाद में 60 डिग्री जब एंगल बनता है यहां से लेके यहां तक जो बैलून ने फ्लाई किया है वो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है. सो लेट अस फर्स्ट गिव सम नेम्स. तो इस पॉइंट को आई विल गिव द नेम एज ए एंड दिस इज अवर बी, this is C and this is D, this is E, F, G and H. This point is H. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं. सो फर्स्ट ट्राइंगल इज C B G और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बन रही है C A E. इन दोनों में कुछ एक कॉमन चाहिए और कॉमन हमारे पास है द हाइट ऑफ दिस बैलून. सो ए ई विल बी इक्वल टू बी जी. तो इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन द फिगर फर्स्ट. सो लेट इनिशियल पोजीशन ए ऑफ बैलून change to B after some time. And CD be the girl. So first of all we'll take this smaller triangle and we'll try to find it out. So in smaller triangle ACE, in triangle ACE, so ratio बनाते हैं AE upon CE. So AE हमारा perpendicular है, CE हमारे पास base है, P upon B is tan and the angle is 60 degree. So tan 60 degree हो जाएगा. ओके अब ए ई को हम स्प्लिट कर सकते हैं. ए ई हमें ए एफ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ए ई को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए ई इज इक्वल टू ए एफ माइनस ई एफ, ए एफ माइनस ई एफ.
सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इसको हम यहां पे ए में पुटअप करेंगे. सो ए एफ माइनस ई एफ अपॉन सी ई इज इक्वल टू 1060. आप इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हो और इसको पुटअप कर सकते हो, बट एनी वे ऑल द मेथड्स आर गुड. सो ए एफ माइनस ई एफ, ए एफ की वैल्यू हमारे पास है 88.2, ई एफ हमें गिवन है 1.2, और जो सी ई है हमें उसका रिलेशन निकालना है 1060 इज रूट 3. सो जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 87 अपॉन सी ई इज इक्वल टू रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 87 अपॉन रूट 3. ओके, इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं अभी. सो रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 87 रूट 3 अपॉन 3. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 29 से. सो सी ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 29 रूट 3 मीटर. सो दिस सी ई इज 29 रूट 3 मीटर है. ओके, अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पुट करके जी सी की वैल्यू निकालेंगे अगेन. तो जी सी में से सी ई माइनस करेंगे तो हमारा ये जो ट्रेवलिंग वाला है जो डिस्टेंस है हमारा वो हमें मिल जाएगा. सो नाउ इन ट्रायंगल बी सी जी सो बी जी अपॉन सी जी. ओके, बी जी को अगेन सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे. बी जी कैन बी रिटन एज बी एच. ओके, पहले सिंपल इसको रेशियो बना लेते हैं. पी अपॉन बी इज इक्वल टू 10:30. ओके, नाउ बी जी इज इक्वल टू बी एच माइनस जी एच. तो बी एच है हमारे पास 88.2 माइनस जी एच हमें गिवन है 1.2. तो वी कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम दिस दैट इट इज इक्वल टू 87 मीटर. बस सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं. सो बी जी की वैल्यू हमने 87 फाइंड आउट की है. सी जी हमें फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज लिखेंगे. 1030 इज 1/√3. तो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट सी जी इज इक्वल टू 87√3. ओके, सी जी की लेंथ 87√3 है, सी ई की लेंथ हमने 29√3 फाइंड आउट की है, और हमें फाइंड आउट करना है कि ई जी हमारा कितना है. सो डिस्टेंस ऑफ द बैलून, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून विच इज ई जी, और ई जी इज इक्वल टू सी जी माइनस सी ई. ओके, सो ई जी इज इक्वल टू सी जी हमारे पास है 87√3 माइनस 29√3. सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58√3 मीटर. सो दिस इज अवर आंसर.